ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स, जहां एक तरफ सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पेश की है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ठाणे शहर के भिमंडी में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई है। मुंब्रा की रहने वाली सकीना का विवाह मई 2016 में मुंब्रा के डायमंड हॉल में बड़ी ही धूमधाम से भिमंडी के रहने वाले आमिर मुख्तार से हुई थी। उस वक्त सकीना के परिवार ने दहेज में अपने हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया था, मगर शादी के कुछ दिन बाद ही सकीना को उसके घर वाले प्रताड़ित करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। पति समेत ससुराल वालों ने सकीना को उसके पिता के घर मुंब्रा में लाकर छोड़ दिया, मगर जब सकीना वापस अपने पति के घर गई तो उसे घर में आने नहीं दिया और सकीना के पति ने उसे तलाक दे दिया। ठाणे पुलिस प्रवक्ता सुखंदा नारकर ने बताया कि महिला की शिकायत में उसके पति ने उसे करीब 2 महीने पहले एक ही साथ 3 तलाक दिया है। मेरा नाम सकीना है, आमिर मोमिन सर ने, मेरे शौहर का नाम आमिर है और मेरी शादी मुंब्रा में हुई थी डायमंड हॉल में और मेरा ससुराल है भिवंडी का, 2016 में हुई थी 28 मई को शादी तो हुई 2016 में 28 मई को। उसके बाद से 15 दिन तक सब ठीक था, फिर 15 दिन के बाद मुझे छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत परेशान टॉर्चर करते थे। मतलब मेरी अम्मी अब्बा ने दहेज जो एक लड़की को देना चाहिए वो हर चीज दिए है और मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई चीज की भी कमी किए थे। फिर भी मेरी सास का हमेशा टॉर्चर रहता था, तेरी अम्मी ने बर्तन का स्टैंड बड़ा वाला क्यों नहीं दिए, तेरी अम्मी ने ओवन क्यों नहीं दिए। और फिर मेरे शौहर को मैं फोन करती हूँ, बोलते कि थोड़े दिन और रुक जा, फिर आता हूँ लेने, और डायरेक्ट मुझे तीसरे तलाक की नोटिस भेजे। और उस नोटिस को लेकर जब मैं घर पहुँचती हूँ तो मेरे शौहर मुझे डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे तुझे नहीं रखना चाहता, और मेरी ननन बोलती है ये घर अब मेरा है, मैंने ये घर अपने नाम पर ट्रांसफर करा ली हूँ। और उसका आदमी भी मुझे बोलता है इस घर में अब तू आएगी तो हम तेरे को जान से मार देंगे। लेकिन जब मेरी प्रेग्नेंट हो गई तो मैं डिलीवरी के लिए अम्मी के पास आई थी, पहले डिलीवरी थी मेरी, तो मैं मुंब्रा आ गई वहीं के। और जब मेरी डिलीवरी सीजरिन हो गई, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा टेढ़ा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन हो गया, सब खुश भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ससुराल वाले अपसेट है और मुझे समझ ही नहीं आता उस समय वो लोग क्यों अपसेट है। लेकिन मैं जब 1.25 महीना करके अपनी मम्मी के इधर से अपने ससुराल चली गई तो मुझे दूध की गांठ हो गई सीने में, तो डॉक्टर सोनिया है गुने जो गुड नर्सिंग होम चलाती है भिवंडी में, उन्होंने कहा कि इसे ऑपरेशन करना होगा। तो मेरे शौहर मुझे बोले कि सकीना यहाँ पर 13,000 खर्चा है, मुंब्रा में जाके ऑपरेशन करा लेते। वो खुद मुझे यहाँ पर एडमिट किए 13 जनवरी को। एडमिट करने के बाद मेरा ऑपरेशन हो गया, 2.5 महीना ना फोन किए ना किए, ना उनके कोई रिश्तेदार उन्हें आके खबर ली कि सकीना कैसी है, बच्चा कैसा है। पैसा तो हेल्प करना बहुत दूर की बात है, सब मेरी अम्मी अब्बा ने और मेरे अकाउंट में जो मेरी सैलरी सेव थी उसमें से जो कुछ पैसा बचा था ऑपरेशन के बाद भी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग खर्चा चलाते। मैं मेरे बच्चे का दूध का डब्बा लगता था क्योंकि मुझे दूध की गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मना कर दिया था कि फीडिंग नहीं कराना है। अभी देखो मेरे पास छोटा बच्चा है 1.5 साल का और मैं पहले तो जॉब करती थी, अब मैं जॉबलेस हूँ और मेरे 2-2 ऑपरेशन भी हो गए, तो मेरी कंडीशन भी नहीं है वैसी कि मैं भी और आगे मतलब काम कर सकूँ। उस आदमी की वजह से मेरा फ्यूचर तो पूरा स्पॉइल हो चुका है, अभी ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी रुक गई है। तो अभी मेरे को बस इंतजार है कि कानून ही मतलब कुछ एक सही फैसला ले मेरे और मेरे बच्चे के लिए और जो हम लोग दोनों के हक में बेहतर हो, अल्लाह भी वही करेगा और शायद मुझे कानून से भी वही उम्मीद है कि वो भी मेरे लिए वही करे। हम लोग ने पुलिस में जब एनसी किए थे तो हम लोग पूछ रहे थे कि सर अभी मतलब मुझे वहां रहना है तो मैं क्या करूं, तो सर ने कहा कि अभी हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है, जब वो आपको बच्चे के साथ मार के निकाल सकते हैं घर से तो आपको कुछ भी कर सकते, तो आपके लिए अभी सेफ्टी नहीं, अभी आप उस घर में मत जाओ करके उन्होंने ऐसा सलाह दी थी। तो हम लोग ने फिर कमिश्नर ऑफिस में एक अर्जी डाली थी कि सर मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा 3 तलाक बोला है और मुझे मारने की धमकी भी दी, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो अर्जी जब कोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में कुछ शायद मैंने अर्जी दी थी 5 मई को,
28 अप्रैल को मेरा एनसी हो गया भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में। फिर 5 मई को मैंने सीपी ऑफिस में अर्जी दी। फिर सीपी ऑफिस का मुझे कॉल आया भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन से रिप्लाई के लिए। 27 मई को मुझे फोन आया, तो वहां पर फिर मैंने गई, वहां पे मैंने बयान दिए। और बयान देने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे फिर बुलाए, फिर मेरे अम्मी अब्बा और मैं, हम लोग वापिस से पुलिस स्टेशन गए। फिर वो लोग को भी बहुत गुस्सा आ गया कि ये लोग क्यों छुप रहे, अगर सही है तो, अगर सही कोई इंसान होता है तो दरवाजे पे जब कोई आए तो अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं थे। फिर शाम में 9 बजे तक फिर पुलिस ने वेट करके वापिस गए, तो वो लोग बाजू वाले घर में छुपे हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड को पुलिस ने जाकर खुद लेकर आए, गिरफ्तार किए। सकीना ने अपने पति आमिर मुख्तार मोमिन और परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हालांकि सकीना के पास इस समय 18 महीने का उसका एक बेटा भी है। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।